तो गाइस मैंने आपको ये जगह दिखाई और मेरे साथ हो गई काफ़ी बड़ी ट्रेजिडी। और ऐसा बिल्कुल रियलिटी में सामने कुछ ऐसी एक लेडीज आ गई और वो पता नहीं भूत था क्या था मुझे नहीं पता, इसीलिए मुझे जल्दी जल्दी यहाँ से जाना। गाइस आज हम दिल्ली के चाणक्यपुरी के जो जंगल है, मंचा महल है जहाँ पर, आज हम वहीं पर आ गए हैं। और इस पर बहुत अजीब अजीब यहाँ की हमने बातें काफ़ी आवाज़ें मतलब आती हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ सुना गया है कि यहाँ पर बहुत सब कुछ अजीब तरीके का है। तो आज हम वही सब कुछ चेक करने यहाँ पर आए हैं और आज हम आपको यहीं पर ये सब एक्सप्लोर करने वाले हैं, क्या ये सब कुछ सच है या नहीं है। तो हम अंदर जाएंगे और वहाँ पे आपको सब कुछ जो भी सच है वो आपको यहाँ पर दिखाएंगे कि क्या ये सब झूठ तो नहीं है या ये ऐसा होता है असलियत में। और सब ये बोलते हैं कि रात को यहाँ पे काफ़ी डरावनी सी आवाज़ें आती हैं। कहते हैं कि यहाँ पे एक औरत ने आत्महत्या कर ली थी और ये एक सच्ची बात कही गई है। और हम आ गए हैं अंदर और मैं बाकी अंदर आपको जाकर दिखाती हूँ कैसी है ये जगह, कैसी नहीं है। कितनी हॉन्टेड सी जगह है गाइस, आप देख सकते हैं काफी अंदर जाके। और यार यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे दिन में भी भूत हो। ओह माय गॉड, हॉन्टेड प्लेस। हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल क्रेडिबल इंडिया, और मैं हूं नफीसा खान आपके साथ। और आज आ गई हूं मैं एक हॉन्टेड लोकेशन पे, जैसे कि आप पीछे से देख सकते हैं। तो गाइस मैं यहां पे डे व्लॉग बनाने आई हूं, हालांकि यहाँ पे सबने नाइट का हॉन्टेड व्लॉग बनाया हुआ है। तो गाइज बट ये जो जगह है ये डे में कैसी लगती है, बट मुझे तो ये डे में भी बहुत ज़्यादा हॉन्टेड लग रही है। और मुझे मैं बार बार देख रही हूँ पीछे, तो काफ़ी हॉन्टेड जगह है। और अंदर से कैसी है कैसी नहीं दिखाती हूँ आपको, और चलते हैं अंदर। तो गाइज आप देख सकते हैं जो महल का एंट्रेंस है इस तरह है। एक वहाँ पे भी एक दरवाज़ा है जिसके आप देख सकते हैं कि ये इतनी दूर यहाँ पे एक दरवाज़ा है। और इधर की साइड भी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और इधर की साइड भी। तो हम लोग पहले अंदर से सारा मैं महल आपको दिखा देती हूँ कि कैसा है, क्या है इसके अंदर, क्या नहीं है, फिर उसके बाद हम लोग ऊपर भी जाएंगे और मैं आपको ऊपर से भी सारा महल दिखाऊंगी। और आप देख सकते हैं कितना डार्क है और काफ़ी आवाज़ मेरी आपको पता चल रही होगी, काफ़ी गूंज रही है। तो आप देख सकते हैं कि अगर कुछ भी अलग सी कोई चीज़ कैप्चर होती है। और काफ़ी जो दीवारें हैं वो इतनी मोटी मोटी हैं, और गाइस ये देख के लगता है कि यार ऐसी इतनी हॉन्टेड सी जगह पे कोई कैसे अलग कैसे रह सकता है। यहाँ पे लाइटिंग का तो कुछ भी सिस्टम मुझे बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है, और दूर दूर तक बस सिर्फ जंगल ही जंगल, जंगल ही जंगल ही नज़र आ रहा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से, और गाइस आप देख सकते हैं कितनी हॉन्टेड जगह है और काफ़ी मुझे डर लग रहा है बिल्कुल अकेले अकेले इस जगह पे घूमना। और अल्लाह से दुआ कर रही हूँ कि कुछ भी ऐसा हॉन्टेड मुझे ना दिखे, आई थिंक। और अगर गाइज आपको यहाँ पे कुछ भी ऐसा दिखाई देता है, कुछ भी मेरे कैमरे में कैप्चर होता है, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। काफ़ी इस प्लेस की, ये मंचन महल के बारे में बहुत सुना है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आई थिंक रात को जैसे कोई आता होगा तो यहाँ पे आग वग जला रखी होगी, लकड़ियाँ वगैरह पड़ी हैं। और पीछे काफ़ी पूरा जंगल है, इसकी एक हिस्ट्री है गाइस, जो कि मैं आपको एंड में सारी चीज़ें हिस्ट्री जो है आपको इस महल की सारी बताऊंगी। और आप देख सकते हैं दूर तक, काफ़ी दूर तक यहाँ पे सिर्फ जंगल ही जंगल है। और गाइस अगर आप
आप लोग चाहते हैं कि मैं इसका नाइट व्लॉग बनाऊं तो मैं यहाँ का नाइट व्लॉग भी बनाऊंगी, बट उसके लिए आपको मुझे कमेंट करने होंगे कि क्या मुझे यहाँ का नाइट व्लॉग बनाना चाहिए। आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ आपको हॉन्टेड सी कुछ प्लेस नज़र आएगा। और गाइस आप देख सकते हैं ये संदूक पड़ा हुआ, जो कि कहते थे कि इसमें रानी का कुछ सामान वगैरह रखा था, कपड़े वगैरह। गाइस चलते हैं अब ऊपर की साइड और दिखाती हूँ कि आपको ऊपर से ये कैसी है, ये जो ये मंचा महल है। और ओह माय गॉड गाइस आप देख सकते हैं दूर दूर तक सिर्फ जंगल ही जंगल, जंगल ही जंगल है और कहीं भी कुछ भी नज़र नहीं है, आसपास कुछ भी नहीं है। और काफ़ी दूर पे आपको बिल्डिंग्स वगैरह नज़र आ रही होंगी। इट्स वेरी हॉरिबल। और गाइस आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल छत के नीचे से कि अंदर की साइड पे एक सीढ़ी सी रास्ता जा रहा है, बट यार मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं इधर से नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत ज़्यादा देख के हॉन्टेड लग रहा है। आप देख सकते हैं गाइस, आप देख सकते हैं काफ़ी दूर तक सिर्फ जंगल जंगल जंगल, काफ़ी दूर तक सिर्फ जंगल है। तो गाइज मैंने आपको ये जो मंचा महल ये दिखा दिया है, काफ़ी हॉन्टेड। आप देख सकते हैं दूर दूर तक बिल्कुल अंधेरा और एकदम सन्नाटा, और दूर तक भी सिर्फ जंगल ही जंगल आपको नज़र आ रहा होगा, काफ़ी दूर तक है। और गाइज मुझे तो देख के वाकई में बहुत डर लग रहा है, मैंने आपको ऊपर से भी दिखाया। तो इस गाइज जैसे कि मैंने आपको ये महल दिखाया और यहाँ पे मेरे साथ थोड़ा सा कुछ अजीब सा हुआ, क्योंकि एकदम ऐसा लग रहा था जब मैं वीडियो बना रही थी कि कुछ मेरे साथ में चल रहा है, कुछ मुझे फील हो रहा था। अब ये मुझे सिर्फ एक वहम था या रियलिटी है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मेरी वीडियो में कुछ भी कैप्चर हुआ हो तो मुझे ज़रूर बता। तो फाइनली गाइज आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, इस जगह की इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, और मैंने यहाँ का डे व्लॉग बनाया है और यहाँ के मैंने नाइट के हॉन्टेड व्लॉग भी देखे हैं। अगर आप चाहते हैं तो कि मैं यहाँ का नाइट हॉन्टेड व्लॉग बनाऊँ तो मैं ज़रूर बनाऊँगी, और आप को उसके लिए करना होगा मुझे कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो जल्दी से जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारी हॉन्टेड जगहों की वीडियोज़ लेके आने वाली हूँ और बहुत अच्छी अच्छी प्लेसेस की वीडियो बनाने वाली हूँ। तो देखते रहिए मेरे चैनल को, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं बहुत सारी वीडियोस बना सकूं। मुझे उस तो गाइज मैंने आपको ये जगह दिखाई और मेरे साथ हो गई काफ़ी बड़ी ट्रेजिडी, और ऐसा बिल्कुल रियलिटी में सामने कुछ ऐसी लेडीज़ आ गई और वो पता नहीं भूत था क्या था मुझे नहीं पता, इसीलिए मुझे जल्दी जल्दी यहाँ से जाना पड़ रहा है। एंड लास्ट तक आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।